हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जमती कि तुम्हें मैंने स्क्रीन सेक्शन रे देखी पाच, आज हूँ डे 38 ओबीटी 40 डे क्रैश कोर्स रो। डे 38 रे आम डिस्कस करने को जाऊँगा टॉपिक रो ना हूँ बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो चलतु स्टार्ट करवा बायोडायवर्सिटी आउ कंजर्वेशन रो किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन विषय। डे 38 रो फर्स्ट क्वेश्चन कहूँ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड इनसिटो कंजर्वेशन। इनसिटो कंजर्वेशन रे कौन करा जाए ना, ऑर्गेनिज्म को सेमानकर नेचुरल हैबिटेट रे कंजर्व करके रखा जाए। ओके, सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ विक्, मन रखी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ विक आमर फर्स्ट विक ऑफ अक्टोबर रे मना जाए। ओके, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ विक ऑब्जर्व इन फर्स्ट विक ऑफ अक्टोबर। सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ बीटा डाइवर्सिटी रेफर्स टू द डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी। तो ह्वाट इज बीटा डाइवर्सिटी ना, बीटा डाइवर्सिटी हूँ डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी को बुझे थाए। तो ता विषय में डिटेली देखा। चलो, जमती कि तुम मैंने स्क्रीन में देखी पार्च, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को आम थ्री टाइप रे डिफाइंड करचु। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेनली तुम तीन प्रकार, गोटे हूँ अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी क्या कह जाए, अल्फा डाइवर्सिटी द डाइवर्सिटी विद इन द कम्युनिटी। ओके, डाइवर्सिटी विद इन द कम्युनिटी और स्पेसीज डाइवर्सिटी को कहा जाए आमर अल्फा डाइवर्सिटी। आ बीटा डाइवर्सिटी क्या कह ना, डाइवर्सिटी बिटवीन द कम्युनिटी हेले ताले ताकू कह बीटा डाइवर्सिटी। सेमती गामा डाइवर्सिटी क्या कह ना, डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम ओवर टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो गामा डाइवर्सिटी हूँ डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम ओवर टोटल जियोग्राफिकल एरिया। मन रखिबो ए तीनटा रु केबे भी गुटे क्वेश्चन पचारि थाए। सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द टर्म हॉटस्पॉट। ओके, द टर्म हॉटस्पॉट वाज कॉइन्ड बाय मेनली मेयर। ओके, मेयर कॉइन्ड द टर्म हॉटस्पॉट, मन रखिबो। सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच पब्लिश रेड लिस्ट ऑफ स्पेसीज, मीन्स आमर जे रेड डाटा बुक रे आमर एंडर्ड स्पेसीज मान को स्थानित करा जाए। तो से रेड लिस्ट ऑफ स्पेसीज किए पब्लिश करे ना, तुमर IUCN। ओके, IUCN पब्लिश द रेड लिस्ट ऑफ स्पेसीज, मन रखिबो। सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ IUCN स्टैंड फॉर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। IUCN रो फुल फॉर्म होची इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एटा होची नेचुरल लिखाई नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, तो IUCN रो फुल फॉर्म होची इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ इन इंडिया रेन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय, मन रखिब इंडिया रे रेन फॉरेस्ट आमर वेस्टर्न घाट रे आउ ईस्टर्न हिमालय रे देखिया को मिली थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ पोडोफाइलम। पोडोफाइलम इज, व्हाट इज पोडोफाइलम, पोडोफाइलम इज क्रिटिकली एंडार्ज्ड को बुझे थाए। सेमती नेक्स्ट देख। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच रीजन इज रिच इन स्पेसीज डाइवर्सिटी, मेनली तुम ट्रॉपिकल रीजन मेनली रिच इन स्पेसीज डाइवर्सिटी, जेथिरे कि डिफरेंट टाइप रो स्पेसीज आम देखा पाई था। सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्वर वाज इवॉल्व्ड बाय, मेनली कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्वर यूनेस्को। ओके, UNESCO। ओके, यूनेस्को जी कि डेवलप कर बायोस्फीयर रिजर्वर कॉन्सेप्टा। सेमती नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द प्रेजेन्स ऑफ डाइवर्सिटी एट द जंक्शन ऑफ टेरिटोरी ऑफ टू डिफरेंट हैबिटेट्स इज नॉन एज इडेज इफेक्ट। तो दुईटा हैबिटेट मधे हैबिटेटर जंक्शन पाखे देखा डाइवर्सिटी को कौन कहती ना, ताको इडेज इफेक्ट कहती। ओके, सेमती नेक्स्ट देख। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ कान्हा नेशनल पार्क। ओके, कान्हा नेशनल पार्क जेटा कि आम मध्यप्रदेश देखा मिले, तो कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर मध्यप्रदेश, जेटा कि मध्यप्रदेश सिचुएटेड होता है, फेमस फॉर टाइगर। तो टाइगर रिजर्वर पर आम कान्हा नेशनल पार्क फेमस होता है। सेमती नेक्स्ट देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वाज लॉन्च इन द ईयर 1973। इन द ईयर 1973 रे प्रोजेक्ट टाइगर
लॉन्च कराइला इंडिया रे सेमती नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ह्विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड अल्फा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। मेनली आम जे डिस्कस करके अल्फा डाइवर्सिटी क्या कहती बीटा डाइवर्सिटी क्या कहती आम जानले अल्फा डाइवर्सिटी होची स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी हेले आमर बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी हेले पूरा होल जियोग्राफिकल रीजन डाइवर्सिटी को आम गामा डाइवर्सिटी कहू। ए थ्री डिफरेंट डाइवर्सिटी को क्यों साइंटिस्ट प्रपोज करते ना तुम ह्विटाकर, ह्विटाकर प्रपोज द अल्फा बीटा एंड गामा टाइप ऑफ स्पेसिस डाइवर्सिटी। सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट ऑफ स्पेसिस मेनली जी रेकॉर्ड करा जाए तक कहते रेड डाटा बुक लिस्ट मेनली थ्रेटेंड स्पेसिस। तो रेड डाटा बुक रे आम थ्रेटेंड स्पेसिस मानकर लिस्ट देखा पाइबा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द फ्रूट्स ऑफ ह्विच प्लांट्स इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोडीजल मेनली जाट्रोपा। ओके द जाट्रोपार फ्रूट्स गुड़िक मेनली बायोडीजल प्रोड्यूस कर पार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मन रखी द फ्रूट्स ऑफ ह्विच प्लांट कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग बायोडीजल मेनली जाट्रोपा फ्रूट्स प्रोड्यूस बायोडीजल। सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ ह्विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एक्जोटिक स्पेसीज जोड़िक इंट्रोड्यूस कराई इंडिया रे मेनली तुम लांटाना कामारा आउ वाटर हाइसिंथ जहाँ को आम आइकन्य कहू जोड़िक आमर इंडिया रे एक्जो मैंने एक्जोटिक स्पेसीस गुड़ी को इंट्रोड्यूस कराई। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ह्विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसीस एमंग द ग्लोबल डाइवर्सिटी। ये चारिटा ऑप्शन दी फंजाई दिखाई मोस फर्न दिखाई आल्गी दिखाई और लाइकेन दिखाई एम फंजाई सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी। ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू, व्हाट इज द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू। आम पूर्व डिस्कस कलु अल्फा डाइवर्सिटी माने स्पेसिफिक डाइवर्सिटी को बुझाई थाए। ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन इंडिया शेयर इन द ग्लोबल स्पेसिफिक डाइवर्सिटी इज अबाउट मेनली इंडिया ओनली 8% शेयर करता है ग्लोबल स्पेसिफिक डाइवर्सिटी रे। ओनली इंडिया रु 8% ऑफ ग्लोबल स्पेसिफिक डाइवर्सिटी देखा मिलता है मन रख 8%। सेमती नेक्स्ट देख, नेक्स्ट हूँ द ऑब्जेक्ट ऑफ रामसर कंजर्वेशन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रामसर कंजर्वेशन। तो रामसर कंजर्वेशन इज ए वेटलैंड कंजर्वेशन, ये देख WET वेटलैंड कंजर्वेशन। ओके तो रामसर कंजर्वेशन इज ए वेटलैंड कंजर्वेशन। ओके देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रिबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय पाउल ई हार्लिक। ओके पाउल ई हार्लिक जिकि रिबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस गिवन कर देते। तो आज एति तो यदि आपण को ये वीडियो सेक्शन भल लगी थाए प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।